गाइस, दिस इज पायल। वेलकम टू माय नेचुरल ग्रीप चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ब्राइटनिंग फेस पैक के ऊपर। इस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है चंदन पाउडर, जो कि किसी भी दुकान में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे यूज किया है कुकुम्बर जूस, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती ही है। तो सैंडल पाउडर से हमारे जो स्किन टोन है वो काफ़ी ब्राइट होती है, और साथ ही में ये हमारे स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे स्किन के लिए। और कुकुम्बर जूस जो है, किसी तरह का दाग हो या आपके काफ़ी लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी है, तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करती है उसे रिमूव करने में। और साथ ही में आपके स्किन में काफ़ी तरह के दाग धब्बे हो, उसे भी वो हटाने में बहुत मदद करती है। तो आइए देखते हैं इस पैक को हमें बनाना कैसे है। ब्राइटनिंग फेस पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए खीरा, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस करके इसके जूस निकाल लिए हैं। और साथ ही में चाहिए हमें चंदन पाउडर, सैंडल पाउडर, आपको किसी भी दुकान में ये मिल जाएगी, और साथ में एक चम्मच एलोवेरा जेल। तो आइए अब हम इस फेस पैक को बनाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह का एक बाउल लेना है, और इसमें मैं सबसे पहले दूंगी एलोवेरा जेल, और साथ ही में मेरे जो कुकुम्बर जूस है, इसे आप पानी से नहीं कुकुम्बर जूस से ही बनाएं, तो ये ज़्यादा हमारे स्किन के में फ़ायदे होते हैं। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चंदन पाउडर। अपने फेस में लगाएंगे तो इसे नीचे से ऊपर की ओर लगाना है, ये नियम होता है। अच्छे से पूरे फेस पे इसको हमें अप्लाई कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने उसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, साथ ही में मैंने नेक पे भी यूज़ किया है, क्योंकि हमें कुछ भी पैक क्रीम जो भी हम यूज़ करें तो फेस के साथ साथ हमें नेक पे भी उसको अप्लाई करना चाहिए। तो फिर इससे हमारा जो दोनों जगह की स्किन टोन है वो बिल्कुल सही रहती है। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक अपने फेस पर ही रहने देंगे और फिर धो लेंगे। जब भी हम पैक को धोते हैं तो उसे ऐसे ही डायरेक्ट जाके नहीं धो लेते हैं, उसे अच्छे से मसाज करके, जिस तरह से हम स्क्रबिंग करते हैं वैसे ही इसे अच्छे से मसाज कर करके, स्क्रब कर करके, और फिर उसे हमें निकालना है। तो मैंने अपना फेस पैक अच्छे से धो के निकाल लिया है, जो जो स्टेप मैं आपको बताई थी, तो फिलहाल आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। आप अपने घर में एक बार तो ट्राई ज़रूर करें इसे, ताकि आपको भी इसकी जो इफ़ेक्ट हो देखने को मिले। और आप सभी को हमारा रेमेडी ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसा नहीं कि आप इसे यूज़ करेंगे तो गोरे हो जाएंगे, नहीं, ये आपके स्किन टोन को लाइट करने में मदद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।